वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 22 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे लाल एवं लाली हो, तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिविजन करेंगे। सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? वेनेजुएला बना। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई को। हाल ही में किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने। दोस्तों, दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया? मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी को। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार प्रथम स्थान पर है सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया है? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रहीसी। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। लोटैम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वियतनाम के बने हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला रेड सी फैशन वीक स्विम सूट फैशन शो का आयोजित किया? दोस्तों, तो स्विम सूट फैशन शो का आयोजित किया है सऊदी अरब ने दोस्तों, और ये स्विम सूट फैशन शो का नाम क्या है? रेड सी फैशन वीक दोस्तों। हाल ही में हिंदी लेखिका मालती जोशी का निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में दोस्तों। कब? तो 2018 में। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। कब मनाया गया मेरे लाल एवं लाली हो? अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस तो 21 मई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतरराष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई को मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया मेरे लाली बमलाली हो? तो अस्थमा मनाया गया 7 मई को दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दोस्तों कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों। देखो, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। और विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुखबर बन गए हैं ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति। दोस्तों देखो, दोस्तों ये ईरान आपको इमेज में दिख रहा होगा, ईरान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, अर्मेनिया से लगती है, इराक से लगती है दोस्तों, किससे लगती है? इराक से लगती है और पाकिस्तान से लगती है दोस्तों। ये है आपका पर्सियन गल्फ दोस्तों है, और ये कैस्पियन सी दोस्तों, ये तो मेरे दोस्तों देखो, अब दोस्तों मोहम्मद मुखबर बने हैं इराक के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था इराक के बारे में कि दोस्तों इराक के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति रहीसी रविवार को अजरबैजान में कीच कलासी और खुदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे, और लौटते समय दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण। और इसमें दोस्तों विदेश मंत्री हुसैन अमीरी अब्दुल्ला हियन समेत 9 लोग सवार थे, और सभी लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों। तो हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा से बाहर निकलते ही क्रैश हो गया था, और उनके निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम अली खामेनेई ने 5 दिनों का सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। और फ्रांस की तरह ईरान में भी हर चार वर्षों के बाद चुनाव होता है, और पिछला चुनाव जो हुआ था 2021 में हुआ था। हालांकि अब राष्ट्रपति रहीसी के निधन के बाद दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया मोहम्मद मुखबर को, लेकिन दोस्तों तुरंत चुनाव कराया जाएगा ईरान में, याद रखना दोस्तों मेरे लाल एवं लाली हो, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुखबर बन गए दोस्तों मेरे लाल एवं लाली हो। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में
लाई चिंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लाई चिंग दोस्तों कहाँ के बने हैं? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों, लाई चिंग। ये दोस्तों ताइवान आपको दिख रहा होगा, यही ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो लाई चिंग बन गए हैं। और ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे है ताइवान की कैपिटल, मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत किस राज्य की कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य दोस्तों है जिसके कोरबा में दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कोरबा में दोस्तों इसका निर्माण किया जाएगा। और जो भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत दोस्तों होता है, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? Xi Jinping। रूस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री है। रूस के दोस्तों अभी नए रक्षा मंत्री बने हैं, तो रूस के नए रक्षा मंत्री कौन है ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मेरी लाल एवं लाली हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर के कोरबा में दोस्तों यह बनाया जाएगा, तो जानते हैं अब उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। देखो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है, पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो उत्तर प्रदेश के कुछ शहर के बारे में जानते हैं, जैसे कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। भारतीय दलहन शोध संस्थान दोस्तों ये भी कानपुर में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है दोस्तों। सीडीबी SIDBI का फुल फॉर्म दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में। सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। और सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को और नवाबों का शहर बोला गया है लखनऊ को दोस्तों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जानते हैं? मेरे लाल एवं लालियों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर 21 मई को मनाया जाता है? तो याद रखना राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। अच्छा दोस्तों ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मेरे लाल एवं लाली हो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक हुई है? तो कोच्ची में दोस्तों। कहां पर? कोच्ची में दोस्तों। कोच्ची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक हुई है। अब कोच्ची में मेरे लाल एवं लालियो हुई है, तो देखो दोस्तों जानते हैं हम केरल के बारे में, क्योंकि केरल में ही कोच्ची है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है दोस्तों। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है और केरल को बोला गया है मसालों का शहर। केरल का त्योहार है ओणम दोस्तों। अरब सागर की रानी और पूर्व के बेनिस के नाम से जानते हैं कोच्ची शहर को दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों यही केरल है दोस्तों। केरल दोस्तों दो राज्यों से लगा हुआ है। एक दोस्तों देखो दोस्तों मैप पे ध्यान देना, ये आपका तमिलनाडु है और ये आपका कर्नाटक है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दोस्तों केरल है दोस्तों। लाल एवं लालियो पारंबिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य, मालाबार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ये कोझिकोड में है, जो केरल का एक शहर है। और भारतीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो केरल के कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कौन सा? तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। मैं लाल एवं लाली हूं, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे लाल एवं लाली हो। तो मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में फीफा ने
हाल ही में फीफा ने अपना स्थापना दिवस 21 मई को मनाया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना दोस्तों हुई थी 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 को हुई थी और डेट था 21 मई। दोस्तों फीफा जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है और दोस्तों फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब है सेफील्ड फुटबॉल क्लब। इस पहले फुटबॉल क्लब सेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। भारत का पहला क्लब कौन सा है? डलहौजी क्लब। दोस्तों प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और विजेता कौन था मेरे लाली बम लालियो? तो उरुग्वे था विजेता और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना था। अब जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो ज्ञानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट। दोस्तों कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो मेरे लाली बम लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है मेरे दोस्तों। कहाँ हुआ है? जापान में। अब जापान में हुआ है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइचिंग ये भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास दोस्तों कौन से दो देश के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच ही धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है मेरे दोस्तों। जापान में ही सबसे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों जापान में दो जगह परमाणु बम गिराया गया था। इस दोनों जगहों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कमेंट बॉक्स दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आपको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में जापान में जो दो बार परमाणु बम गिराया गया था कब गिराया गया था और उसके संदर्भ में आप जो भी जानते हो उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एलोड्रा कप 2024 में किन दो भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? एलोल्ड्रा कप 2024 दोस्तों एलोल्ड्रा कप 2024 में किन दो भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन और मीनाक्षी ने दोस्तों एलोल्ड्रा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों देखो अब एलोल्ड्रा कप दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में एलोल्ड्रा कप 2024 का आयोजन हो रहा है। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तानी टेंग। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायब। ये है कजाकिस्तान के दोस्तों राष्ट्रपति, याद रखना मेरे लाले एवं लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। देखो दोस्तों अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है मेरे लाले एवं लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा इसका जवाब दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था उसके बेस्ट आंसर करने वाले जो विजेता है वो है पिंटू सिंह मेरे लाले एवं लालियो। तो मेरे दोस्तों वो जो हमारा 3 प्रश्न था जिसके बारे में इन्होंने दोस्तों काफी डिटेल में बताया है, वो 3 प्रश्न दोस्तों क्या था? तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान ने। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। TCS ने कहा मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो पेरिस ने किया है दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों ये था दोस्तों हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो आपको बताना है दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के बारे में, आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी दोस्तों देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों आप जो भी जानते हो इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियो। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे लाल एवं लालियो।